दिव्या फ्रेश कपड़े निकालो, तुरंत वापस निकलना है। अरे आप अभी आए और अभी जाने की बात कर रहे हैं? कहाँ थे पूरी रात? मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी। अरे तुम्हें बताया तो था कि फॉरेन डेलीगेट्स के साथ मीटिंग है, इवन मॉर्निंग प्रेजेंटेशन है आज। और तुम्हारे हैं कि सवाल और जवाब खत्म ही नहीं है। एक काम करो, तुम चाय नाश्ता बनाओ, समझे? मीटिंग है जल्दी, मतलब जल्दी, लेट नहीं करना। ये मिस्टर आर्को ने, ये तो लेडीज परफ्यूम की स्मेल है। कुछ भी सोचती हूँ मैं। आज आप ऑफिस से जल्दी घर आ जाएंगे क्या? शायद नहीं, क्यों? अरे वो मैं, दिव्या मैं लेट हो गया हूँ, तुम ये खा लेना, मैं बाहर कुछ खा लूँ, ठीक है? बाय। कहीं इनका किसी के साथ अफेयर तो नहीं चल रहा है? रानी मैं तुम्हें ही कॉल करने वाला था यार, क्या बेवकूफी कर रही हो तुम? कितनी बार कहा है जब मैं घर पे हूँ तब मुझे कॉल या मैसेज मत करो। अरे मुझे बहुत अच्छे से पता है, पर मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी तुमसे, इसलिए कॉल किया था। तुम्हारी ये जो सॉरी है ना, इससे मैं, खैर बताओ क्या इम्पोर्टेंट काम है? वो मेरे एजेंट का कॉल आया था, शायद 2 दिनों के लिए मुझे बाहर जाना पड़ सकता है, इसलिए मैं सोच रही थी कि अगर आज रात हम मिल सके तो। यानी मन तो हमारा भी है, लेकिन आज थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ऑफिस में बहुत बिजी शेड्यूल है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा, अगर आ रहा होगा तो मैसेज करूंगा। डन। अच्छा सुनो ना, मुझे ना कुछ पैसों की जरूरत है वो ट्रिप के लिए, अगर तुम दे सकते हो तो, यू नो, इफ यू डोंट माइंड। अरे कैसी बात कर रही हो तुम, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? तुम एक काम करो, कितना अमाउंट चाहिए बताओ, मैसेज करो, मैं ट्रांसफर करवाता हूँ, ठीक है? और एक बात बहुत ध्यान से सुन लो रानी, तुम्हारा मेरा रिश्ता ऐसा है कि जिसकी भनक दिव्या को नहीं लगनी चाहिए, पर शायद दिव्या को शक हो चुका है, इसलिए आज के बाद जब मैं घर पे रहूं, नो कॉल नो मैसेज, अंडरस्टैंड? हाँ ठीक है, आगे से ध्यान रखूंगी फोन या मैसेज करने से पहले। चलो तो गिव मी अ हग एंड किस, लव यू टू, बाय बाय, लव यू। ये लड़की भी ना किसी दिन मरवाएगी, खैर इसका भी अपना मजा है। एक सेकंड। I'm so sorry. मैं देख ही नहीं पाई। आप It's okay. आप ठीक तो हैं? लाइए मैं आपकी मदद करती हूँ। ठीक हूँ मैं। आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। मैं जानवी, आपकी बेस्ट फ्रेंड निधि की सिस्टर जानवी। दीदी की बर्थडे पार्टी में मिले थे। हाँ जानवी, तुम कैसी हो और निधि कैसी है? हम तो ठीक है, लेकिन आप ठीक नहीं लग रही हैं। नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। Thank you.
ये तो आपके हस्बैंड। आप ठीक हैं? आप लोगों के बीच में सब ठीक तो है ना? मैं तो अब तक अपने आप को दिलासा देते आ रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं समझ सकती हूँ, बुरा लगता है जब आप दिल से किसी को अपना मानो और एक दिन पता चले कि वो आपका है ही नहीं। लेकिन मैं देव से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उनको खोना नहीं चाहती हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं, आपके और देव के रिलेशन स्टार्टिंग में कैसे थे? वो स्पार्क पहले से ही मिसिंग है या? प्यार और पैशन सुबह से लेके रात तक था। देव, उठो ना। गुड मॉर्निंग। आप दोनों के बीच में अगर इतना प्यार था तो डोंट वरी, वो प्यार वापस जरूर आएगा। और ये भी तो हो सकता है कि देव का कोई अफेयर हो ही ना, सिर्फ लेट नाइट किसी का कॉल आ जाना या कपड़ों में से लेडीज परफ्यूम की खुशबू आ जाना इस बात का इंडिकेशन तो नहीं ना कि उनका अफेयर है। इसके और भी बहुत सारे एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं। आपने कभी उनको किसी के साथ फिजिकल होते तो नहीं देखा? फिजिकल होना ही सब कुछ तो नहीं होता ना। अभी जो मैंने देखा, इससे तुम्हें नहीं लगा कि वो मुझे चीट कर रहा है? अगर ऐसा ही है तो आप उन पे लॉयल्टी टेस्ट क्यों नहीं करा लेती? मतलब ये कि आप उनकी लाइफ में कोई लड़की लेकर आई है और वो उससे अट्रैक्ट होकर अगर उसके साथ फिजिकल होते हैं तो मतलब साफ है कि वो आपको चीट कर रहे हैं। लेकिन मैं तो ऐसी किसी लड़की को जानती भी नहीं जो मेरे लिए ये सब। मैं करूंगी। अब अपनी बड़ी बहन की बेस्ट फ्रेंड के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। सच में? मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। थैंक यू सो मच। Stop, please, stop. बोलिए। Hi, आप प्लीज मेरी मदद कर सकते हैं? एक्चुअली मेरी गाड़ी खराब हो गई है और मुझे बहुत अर्जेंटली कहीं पहुंचना है, प्लीज। आई एम सो सॉरी, मुझे भी कहीं जल्दी पहुंचना है, आप किसी और से मदद ले लीजिए। हाँ बोलिए। एक्चुअली मैंने कैब्स भी ट्राई करी बट कैब्स मिल नहीं रही हैं। प्लीज ओके आइए। थैंक यू। हाय, आई एम जानवी। आई एम देव सिंह। थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। इट्स ओके। या बाय द वे, आप करती क्या हैं? मैं एक लॉ फर्म में काम करती हूँ। ओह सुपर। एंड यू? मेरा टेक्सटाइल बिजनेस है। ओह दैट्स नाइस, अमेजिंग। शादी हो गई आपकी? आपको क्या लगता है? आई डोंट नो, आप बताइए ना। हाँ हो गई। आपकी हो गई? नहीं अभी तक तो नहीं। वैसे आपके होने भी नहीं चाहिए। Stop. Please, आइसक्रीम। मुझे एक्चुअली आइसक्रीम बहुत पसंद है। आई प्रॉमिस आपको लेट नहीं होगा। जस्ट 2 मिनट्स, ओके? जस्ट 2 मिनट्स। स्टॉप। वैसे आइसक्रीम मुझे भी बहुत पसंद है। रियली? ओके। दो आइसक्रीम। वैसे एक बात कहूँ? क्या? मुझे लगा तुम्हें चॉकलेट फ्लेवर पसंद होगा। I like butterscotch. Seriously? Hmm.
और फिर क्या हुआ? गाड़ी में बैठने के बाद क्या हुआ बताना? उसने क्या किया? उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, उसके ऑफिस से फोन आ गया, हमने नंबर एक्सचेंज किए कि कभी कॉफी पे मिल लेंगे, बस। सच में उसने कुछ नहीं किया? हाँ बाबा, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? उसके बाद कुछ नहीं हुआ। अब बहुत लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ, बाकी बातें कल फोन में करेंगे, ठीक है? बाय। सुनिए तो सही, लगता है इनको अपनी तरफ खींचने के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। कल रात जब वो मेरे पास आया तो उसने मुझसे कहा कि उसका बर्थडे है और उसके पास सेलिब्रेट करने के लिए कोई नहीं। फिर इस बार क्या हुआ? इस बार उसने तुझे छूने की कोशिश की या कुछ करने की कोशिश की? देखो मैं तुमसे झूठ नहीं कह सकती, लेकिन इस बार पिछली बार से कुछ ज्यादा हुआ। हम दोनों वाइन पी रहे थे। थैंक यू। एक बात बोलूं? तुम्हें शायद पता नहीं है कि मैं कितना अकेला हूं। अगर आज तुम ना होते हैं, तो मेरा ये बर्थडे भी बिना सेलिब्रेशन के गुजर जाता। चीयर्स। उसने आगे कुछ किया क्यों नहीं? इस बात का जवाब तो वही दे सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद तुम्हें चीट नहीं करना चाहता और अब भी तुम्ही से प्यार करता है। प्लीज मेरे लिए उससे एक बार और मिलोगी? प्लीज मुझे बस एक बार और कंफर्मेशन चाहिए, प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं कल उसे फिर मिलने के लिए बुलाऊंगी, ठीक है?